हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ फॉर किड्स। आज हम करेंगे कैरिंग 100। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि मेरी जो आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम पढ़ेंगे आज ऐड करना सीखेंगे, कैरिंग वाले ऐड करना सीखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये वंस, टेंस, हंड्रेड। पहले हमने टेंस का कैरिंग किया था, अब हम हंड्रेड्स पे करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम जो सबसे छोटा वाला नंबर है हमें उसको उंगली पे काउंट करना है। 1 2 3, हमारा छोटा वाला नंबर कौन सा है? 3। तो उसे हमें उंगली के पे काउंट कर लिया, 1 2 3। अब हमें क्या करना है, 5 से आगे काउंट करना है, 6 7 8। कितना हुआ? 8। अब यहाँ पे ये सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2 1 2। अब हमें 8 से आगे हमें काउंट करना है टू नंबर्स पे, 8 9 10। 10 की हमने क्या जीरो लगा ली, ये 1 कैरी हो गया। और यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। इस तरह से हम कैरिंग वाले करेंगे। और 4, जैसे इसमें अगर हमने 2 दे रखा है तो हमें अगर 4 की टेबल आती है तो हम क्या करेंगे, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। 2 है तो 2 जा और 1 है तो 1 ही है ही। तो इस तरह से हम कर लेंगे, और या फिर इस तरह से करेंगे, 1 2 3 4। अब हमें 4 के आगे काउंट करना है, 5 6 7 8। इस तरह से 8। 3 सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है? 3। 1 2 3। और 9 से आगे हमें काउंट करना है, 10 11 12। 12 का हमारा क्या आ गया? 2 आ गया, 1 कैरी कर दिया। 1 2 2 3, 1 है ऊपर कैरी वाला, तो 2 से हमें करना है 2 3। कितना हो गया हमारा? 3। हमारे यहाँ पे कौन सा 5 और 4 में से कौन सा छोटा है? 4 छोटा है, तो हमें क्या करना है, 1 2 3 4। और हमें 5 से आगे काउंट करना है, जो बड़ा वाला नंबर है इससे हमें आगे काउंट करना है, 6 7 8 9। कितना हो गया? 9। अब यहाँ पे है ऊपर 4 और 7 में कौन सा छोटा हुआ? 4 छोटा है, 1 2 3 4। 4 को हमें उंगलियों पे काउंट कर लिया, और हमें 7 से आगे हमें काउंट करना है, 8 9 10 11। कितना हो गया? 11। 11 का 1 1 हमने कैरी कर लिया। 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4। तो हमें इस तरह से हम कैरिंग 100 कर लेंगे। इनमें 6 और 3 में से कौन सा छोटा है? 3 छोटा है, तो 1 2 3। अब हमें बड़े नंबर से हमें आगे काउंट करना है, 6 के आगे 7 8 9। 5 5 2 जा 10, 10 की 0। और ऐसे हम 1 2 3 4 5 इस तरह से कर सकते हैं, और 5 के आगे काउंट करेंगे, 6 7 8 9 10। तो 10 की 0 और 1 कैरी कर लिया। 4 1 5 5 प्लस 1 6। इस तरह से 8 और 0 कितना होता है? 8 ही होता है, जो नंबर रहता है वही हमारी 8 में अगर हम 0 प्लस करेंगे तो हमारा नंबर जो होगा वही रहेगा, हमें उस नंबर बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो 0 है, वो नंबर नहीं है। ऊपर भी अगर होता तब भी हमारा 8 ही रहता। 7 6 में छोटा कौन सा है? 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। अब 7 के आगे हमें काउंट करना है, 8 9 10 11 12 13। तो कितना हो गया यहाँ पे? 13 का 3, 1 कैरी कर लिया। छोटा कौन सा है? 2। 1 2, 6 के आगे 7 8, 8 और प्लस 1 कितना हो गया? 9। इस तरह से 0 0 0 होता है, 8 प्लस 2 1 2, 8 के आगे काउंट करेंगे, 9 10, 10 की 0, 7 ऊपर कैरी कर लिया, 1
सेवन वन कितना हो गया एट, एट प्लस वन नाइन कितना आ गया नाइन, थ्री में से टू, थ्री प्लस टू यानी कि छोटा कौन सा है टू, वन टू, थ्री के आगे हमें काउंट करना है फोर फाइव, कितना आ गया यहाँ पर फाइव, यहाँ पे है नाइन और प्लस थ्री, तो हमें छोटा वाला हमारा नंबर है थ्री, वन टू थ्री, और नाइन के आगे हमें काउंट करना है नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व का हमारा टू हमने यहाँ लिख लिया, राइट कर लिया और वन को हमने कैरी कर दिया। सिक्स और टू में से कौन सा छोटा है वन टू, टू हमारा छोटा है, सिक्स के आगे हमें काउंट करेंगे सिक्स सेवन एट और प्लस वन नाइन कितना हो गया नाइन। वन प्लस फोर में छोटा कौन सा है वन ही है, तो वन हमने यहाँ पे कर लिया वन और फोर से आगे फाइव कितना आ गया यहाँ पे फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स हमारा छोटा है सेवन के आगे करेंगे एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, थर्टीन का थ्री और वन हमने कैरी कर लिया। अब इसमें फाइव और टू में कितना छोटा कौन सा टू, वन टू, टू फाइव के आगे सिक्स सेवन और प्लस वन एट हो गया वन टू, इसमें कौन सा है टू, सिक्स के आगे हमें काउंट करनी है सेवन एट सेवन और फाइव में कौन सा छोटा है फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, इसके बाद सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व का टू वन हमने कैरी कर लिया यहाँ पे थ्री प्लस टू वन टू, थ्री के आगे फोर फाइव सिक्स प्लस वन करना तो सिक्स, जीरो की जीरो फाइव, फाइव टू जा टेन की जीरो, टू टू कितना होता है टू टू जा फोर प्लस वन कितना हो गया फाइव हो गया। इस तरह से हम हंड्रेड्स कैरी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके आपके लिए और भी आसान ट्रिक लाऊं ताकि सभी बच्चे आसानी से कर सकें। बाय बाय स्टूडेंट, फिर मिलेंगे।